हाँ जी किसान साथियों, मेरे फार्मिंग पेशन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम शक्तिमान की तरफ से आने वाले जो स्क्वायर बेलर, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर मिलाएंगे उस किसान से भी जिन्होंने ये मशीन खरीदी है, जानेंगे इस मशीन के सब्सिडी के बारे में, इस मशीन में कुछ क्या फ़ायदा है, क्या कुछ नुकसान है, और यहाँ के दिक्कत करवाएंगे जो इंजीनियर हैं इस कंपनी के, उससे भी हम मुलाकात करवाएंगे उनके। और किसान साथियों, आय भी दुगनी नहीं चौगनी होने वाली, किसान साथियों बहुत ही फायदेमंद होने वाली है आज आपके लिए ये वीडियो, तो जानेंगे सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन। नमस्कार सर। नमस्कार। सामने से जो हमारे किसान भाई आपको देख रहे हैं, जी, तो सर सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। और जी जी, मेरा नाम संदीप पटेल है जी। यहाँ पे बेल हमारे यहाँ ब्रेकेट बनती है, जिससे आप कोई भी किसान हमसे संपर्क करके बेल अपनी बेच सकता है। और ये बेलर मशीन बहुत अच्छी है, इससे आप बिना पराली को जलाए हुए आप ऐसे लाके इसको इकट्ठा करके, इससे पराली पे रोक भी है जलाना, तो बिना जलाए हुए आराम से लाके बेच सकते हैं। इससे आपको प्रॉफिट भी होगा और हमारा वातावरण भी स्वच्छ रहेगा। तो शक्तिमान का जो है, ये जो बेलर अभी आपने खरीदा, इससे कहाँ तक आपने कितना वर्क किया है, कहाँ तक काम किया आपने? बेलर एक्चुअली खरीदा था, अभी इसको क्या नाम की राइस वाली जो फसल थी वो चली गई थी, उसके बाद में मैं खरीदा था। हाँ, इस बार राइस में अच्छा काम होगा, अभी पैडी इस पे वीट पे काम किया था, बट ज़्यादा नहीं हो पाया है, दो तीन एकड़ के इकट्ठा किया जो है। एक्स्ट्रा रीपर ज़्यादा चालू हो जाते हैं, इसमें आपको जो है बेल बनाने में थोड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। जी जी। और जो आगे का समय आने वाला पराली का, जैसे धान का, तो उसमें एक्स्ट्रा जो है बहुत किसान भाई जला देते हैं। किसान भाइयों के लिए ज़रूर जो है एड्रेस जो है अपना मोबाइल नंबर एक बार बताइए। जी जी, मेरा नाम संदीप पटेल है, मेरा मोबाइल नंबर 8273046452। इसके जो मेन फीचर्स हैं, बाकी मशीनों के जहां तक बहुत से जो है बेलर मशीनें आती हैं उनके मुकाबले, ये शक्तिमान जो बेलर है आपका, ये कहां तक फ़ायदेमंद होने वाला है, कितना कुछ स्ट्रॉन्ग होने वाला है, सारे फीचर्स एक वन बाई वन आपको। आइए आइए सर, हम आपको दिखा देते हैं। ये फैन लगा हुआ है जी, जो डस्ट पड़ेगा उसको उड़ा देगा, ये ट्रैक्टर ऑपरेट कर देंगे। ये ग्रीसलेस है, ये जो तो नोटर दिख रहा है आपको सर, किसान भाइयों, ये ग्रीसलेस है। किसी भी प्रकार का आपको बार बार ग्रीसिंग करने की झंझट नहीं होने वाली, ग्रीसलेस इसके अंदर जो पार्ट्स लगाए गए हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार से आपको ग्रीस नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल ईजी है, कहीं से भी ग्रीसिंग का पॉइंट नहीं है। ये आपको पूरा सामने नोटर देख रहा है स्टील्स का, इसमें कहीं भी ग्रीसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी कंपनियों में ग्रीसिंग की होती है और वो फैन नहीं होता, तो बार बार उसमें डैमेजिंग आती है, इसका ये स्पेशल फीचर है जी। ये आपको पूरा यूनिट दिख रहा है सामने, मेन पार्ट भी नोटर नहीं होता ये। हाँ, ये नोटर है, यही नोटिंग करता है। किसान भाइयों, सबसे मेन पार्ट जो नोटर है इस मशीन के अंदर, सबसे मेन पार्ट यही है, यही बेल को जो है बनाता है। और यहाँ से देखिए, ये बेल बनी हुई है, गट्ठर जो बनी हुई है आप लोग देख सकते हैं, ये जो एक्स्ट्रा की गट्ठर है किस प्रकार से बनी हुई है, जैसे ही बनी थी वैसे ही यहाँ पर आकर के मशीन खड़ी हो गई। यहाँ से आप लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि कितने वजन का आपको बंडल चाहिए। और साथ में हमारे डीलर साहब भी जुड़े हुए हैं, हमारे किसान भाई भी जुड़े हुए हैं, और बहुत ही इजी सिस्टम है बेल को छोटा और बड़ा करने के लिए। ये बोल्ट खोलिए और इसकी लंबाई छोटा बड़ा करेंगे तो बेल छोटी और बड़ी निकालेंगे, जितनी हमें जरूरत है उतना हम बेल यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी मोटाई नहीं बढ़ सकती किसान साथियों, एक बेल की लंबाई बढ़ेगा, इसकी लेंथ जो है बड़ी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, जिसे आप लेंथ को आप एडजस्ट कर पाने वाले। यहाँ आप देख पा रहे होंगे तो ये लगा हुआ है काउंटिंग, जितनी बेल बनेंगे उतनी बार हमारी ये काउंटिंग होती जाएगी कंटिन्यूअस। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं कितनी बेल आपने बनाया, उसके काउंटिंग के लिए यहाँ पर एक मीटर भी कंपनी ने इस मशीन के अंदर लगा के रखा हुआ है। जब पीटीओ ऑपरेट करेगा तो ये पिस्टन यहाँ से ऑपरेट करेगा, ये पिस्टन आगे पीछे एक मिनट में 93 बार स्ट्रोक करेगा, 93 बार। किसान साथियों, एक मिनट में 93 बार का स्ट्रोक इसके अंदर होने वाला, अच्छा स्ट्रोक उतना अच्छा बंडल क्रस। तो इसके फायदे की अगर हम बात करें, जितना ज्यादा स्ट्रोक रहेगा और उतना ही साफ बेल आएगी, बढ़िया बेल कटिंग आएगी, अच्छी और मजबूत और स्ट्रॉन्ग और सबसे ज्यादा टाइट बेल आपको मिलने वाली है। ये है इसका फीडर जी। अगर कंबाइन हार्वेस्टर से कटा हुआ है और रेक लगी है तो एक मिनट में 5 से 7 बेल कंप्लीट होगी, जिसकी एक बेल की वेट होगी 25 से 30 kg की। ये फीडर है, यहाँ से पिक करेगा, यहाँ से
पिस्टन के पास ले जाएगा, आगे वो प्रोसेस होते हुए पीछे पीछे की तरफ बेल निकलेगा। बेल निकलेगा तो ऑफलाइन बेलर के बारे में बताओ। 150 बेल एक एक से एक एकड़ में 125 से 40 बेल बन सकता है। एक एकड़ में 125 बेल से लेकर 150 बेल तक के अनुमान लोगों का है जी। यस इस मशीन से। तो और बाकी का जो किसान साथियों जो सिस्टम है वो हम अपने डीलर साहब से भी जानेंगे, इनसे मुलाकात करवाएंगे आपकी, और कहां पर ये आपको ये मशीन मिल जाएगी, और पर डीलर साहब से हम पहले मुलाकात करवाएंगे। इनका चेहरा आप लोग भलीभांति जानते भी होंगे, पहचानते भी होंगे, और मेरे हिसाब से इनके इंट्रोडक्शन की हालांकि कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन एक औपचारिकता के रूप में अपना नाम और पता बिल्कुल। किसान साथियों नमस्कार, मेरा नाम दीपक गर्ग है। मेरी फर्म जो है लखनऊ के पास में हैदरगढ़ पड़ता है जी, जी। दीपक मशीनरी स्टोर जी। जो सभी तरह के इम्प्लीमेंट आप लोगों के लिए कई वीडियो हम यूट्यूब में पड़ी हुई हैं उसके साथ साथ हम दे रहे हैं। आज हम लोग एक बहुत बेहतरीन जो किसान के लिए भी हमारे पर्यावरण के लिए भी और समाज के लिए भी एक बेहतरीन मशीन लेके आए हैं जो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा बचाएगी। उसके लिए आज आप देख रहे हैं बेलर, जो ये स्क्वायर बेलर आप देख रहे हैं सामने हमारे खड़ा हुआ है मशीन। इसमें फ़ायदा क्या है कि एक तो ये बंडल जो बना रही है स्क्वायर में बना रही है, इसको रखना उठाना बहुत आसान है। जैसे ये मशीन आप देख रहे हैं, ये हमारी मशीन पिछले सीजन में गई है, थोड़ा लेट गई सीजन के बाद, इसलिए अभी इसने वर्किंग किया है, कम किया है, इस साल शुरुआत से ये काम करेगी। ये जो आप स्क्वायर बेलर को देख रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे थोड़ा साइड में है, जैसे हमारा पीटीओ सापट सीधे चलेगा उसके बाद ये साइड में क्यों बनी हुई है। तो ज़्यादातर मशीनें क्या होती हैं, हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं रोटावेटर कल्टीवेटर कुछ भी, वो ट्रैक्टर के जस्ट पीछे रहती है, लेकिन ये साइड में क्यों बनाई गई। साइड में बनाने का पीछे एक ही रीज़न था कि ये जो अब किसान है वो जो ट्रैक्टर चला रहा है वो आगे सीधे चल रहा है, लेकिन बेल उसको दिखती नहीं है कि बेल सीधी जा रही है कि नहीं, अंदर जा रही है। हाँ, जुताई में ऐसी समस्या नहीं होती, लेकिन हमें बेल उठानी है तो कहीं बेल छूट ना जाए, उसको एकदम गट्ठर सीधे जाए, इसलिए वो उस बगल में देख रहा है। एक बार उसने पीछे घूम के देखा, उसने कहा हाँ सीधे बेल जा रही है, कोई तरह की समस्या, उसने पीछे एक बार नज़र घुमा ली, देख लिया। इस जो स्क्वायर बेलर ही क्यों ले रहे हैं, राउंड बेलर क्यों नहीं लिया। स्क्वायर बेलर में बेल को उठा के रखना कैरी करना आसान है, 30 से 35 किलो की बेल बना रही है जी जी। इसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 25 से 35 किलो के बीच में। हाँ सकते, लंबाई भी आप बढ़ा। हाँ और इसमें आपको देखिए किसान है तो लेबर भी मिल ही जाते हैं, लेबर को आसानी से को उठा के रखने में भी आसानी है, लेकिन जो राउंड बेलर की हम लोग बेल बनाते हैं उसको बिना मशीन के नहीं रख सकते, फिर हम लोग मशीन पर निर्भर हो जाएंगे, तो इसलिए हम लोग ने स्क्वायर बेलर को ज़्यादा प्रेफर किया है। इसकी बेल को कहीं भी और इसको गट्ठर लगाना भी आसान है। हाँ ट्रांसपोर्ट भी इसको आसानी है कि एक ऊपर एक गट्ठर लग के चला गया और कहीं भी हम ढेर भी लगाएंगे तो उसको रखने में आसानी होती है, तो इसलिए स्क्वायर बेलर के बारे में मनोज जी ने जैसा आपको सब बताया, हमारे किसान हैं जो संदीप जी वो चला रहे हैं तो मशीन ओवरऑल बहुत अच्छी है, सर्विस आपको पूरी सीजन में मिलेगी, पूरी जिम्मेदारी रहेगी मशीन तो से। आप इसकी गारंटी की अगर हम बात करें, हाँ वारंटी की बात करें, कितने साल या मैं बता देता हूँ या कुछ कैसा है। देखिए मशीन में कोई विशेष ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है, जैसे बताया गया कि मशीन एकदम सिंपली बनी हुई है, नॉर्टन भी उसका साफ़ सुथरा बनाया है, ना ग्रीसिंग करनी है ना कोई दिक्कत आ रही है, तो इस मशीन में आपको समस्या नहीं आनी है। जैसे कोई समस्या आती है तो फील्ड पे उसका निवारण होना, फील्ड पे आपको सर्विस मिलेगी आप जहाँ भी चलाएंगे। अच्छा आप किसान ये मशीन तो खरीद ले, बेचेगा कहाँ बेल जी। अगर किसान हमारे थ्रू मशीन ले रहा है तो हम उसको उसकी टाई अप कराएंगे कंपनियों से। जैसे आज भी हम एक प्लांट पे आए हैं, आप लोग देख रहे हैं ये प्लांट नया बन रहा है, जैसा कि मैंने अभी सर से हाँ बात करवाई है आपकी जी, उन्होंने अपना नाम और पता सारी और मोबाइल हाँ नंबर भी आपको प्रोवाइड करवाया है जी। किसान साथियों आपको घबराने या टेंशन लेने की जरूरत नहीं होने वाली है, आप लोग आसानी से आइए, अपने जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए हमारे सर से, बेहतरीन रेट में आप आसानी के साथ अपनी जो पराली है वो बेच पाएंगे, और उनका मोबाइल नंबर भी मैंने प्रोवाइड करवा दिया जी। तो यही एक मोटो चल रहा है अपना कि इससे हमें धान से भी कमाए और धान की पराली से भी पैसे कमा सकते जी, बिल्कुल जी। तो दीपक सर एक और बात मैं कहना चाहूँगा, तो इसके अगर सब्सिडी की अगर बात करें हाँ बिल्कुल, और ये दूसरी बात और आप जो है
इसके लोन इसके ऊपर कितना फाइनेंस हो जाता है और कितने प्रतिशत तक सब्सिडी मिल जाती है? जैसे ये आप देख रहे हैं, पास अगर मान लीजिए थोड़े बहुत अमाउंट की वैसे भी दिक्कत होती है और कम की लागत नहीं होने वाली, तो इसका रेट भी आप बताइएगा पॉसिबल हो तो। सब बता रहे हैं जी। जैसे आपने स्क्वायर बेलर लिया, स्क्वायर बेलर सिर्फ एक बेलर लेने से काम नहीं चलेगा किसान को, पहले जो आपका हार्वेस्टर कंबाइन मशीन पहले काट के जा रही है खेतों को, उसके लिए तो हे रेक चाहिए। हाँ, उसके लिए आपने ये स्लेसर, पहले आपने उसको खूटी काट लिया जी जी जी। जैसे बैनर पे दिखाएं, एक मिनट तिवारी जी बैनर को फिर लगाइए है जी। जैसे सबसे पहले ये आप देख रहे हैं स्लेसर, रोटरी स्लेसर आप लोग देख सकते हैं किसान साथियों। सबसे पहले आपको हार्वेस्टर कटिंग के बाद जब कटाई हो जाती है खूटी काटने वाला बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको हेरेक से सारे जो है एक लाइन से बनाना पड़ेगा। इसमें हेरेक का काम क्या है? हेरेक जैसे ऐसे आप तो मशीन है, मशीन तो पूरे खेत से उठा सकती थी, लेकिन हम लोग 4 फीट में क्यों इसको कवर कर रहे हैं? जो पराली जो हमारी पड़ी थी पूरे खेत में बिखरी हुई थी, जैसे आप मान लीजिए 12 फीट की जगह थी, 12 फीट का माल को एक साइड ले आई पहले, फिर वो घूम के गया दूसरे साइड का 12 फीट का माल को, 10 फीट के माल को एक जगह, तो कुल मिला के 20 से 24 फीट का जो माल है वो हमारा 4 फीट में आ जा रहा है जी। हे रेक का मेन यूज यही है। ये आपको लग रहा होगा ये तीली घूमती है, ये दो तरफ से घूम के जाके मतलब आपकी पराली जो खेत में इधर उधर बिखरी रहती है लाइन बनाने का काम करेगी, लाइन बनाएगी जो है, लाइन के सहारे जो लाइन जो है बना देगी। हाँ। और आपका स्टाफ और नहीं बर्बाद होगा, उसकी बेल भी सही तरीके से, फिर वो हेरेक चलने के बाद फिर हमारा इस बेलर का यूज आया जो मेन यूज। तो इसके सब्सिडी की बात कर लेते हैं, इसमें देखिए गवर्नमेंट द्वारा बहुत सब्सिडी में अनुदान अच्छा दिया जा रहा है और बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन भी किया जा रहा है। गवर्नमेंट कह रही है कि आप लीजिए, आम किसानों को जो जनरल कस्टमर है, सामान्य कोई भी छोटा बड़ा किसान है, वो उसको 50% अनुदान मिल रहा है। जो हमारी दो यंत्र हैं, 2 से 3 ये जो आपको बताया हे रेक स्लेसर, इनमें टोटल मिला के 8,25,000 रुपये की सब्सिडी है। 8,25,000 रुपये सब्सिडी, हाँ जी अनुदान। और उसके बाद अब दूसरी पॉइंट, तो सर ये कहाँ तक कितने परसेंट तक फाइनेंस हो जाता है इसमें? जैसे ये जो ब्रांड है शक्तिमान, ये इसको कोई नाम पहचान की जरूरत नहीं आज के समय में, इसमें हर बैंक, हर सरकारी बैंक फाइनेंस कर रहा है और 75-80% तक फंडिंग गवर्नमेंट बैंक से हो रही है, प्राइवेट बैंकों से हो रही है, तो 75% आपको फाइनेंस की सुविधा है। तो सर एक आखिरी बात, इसकी कीमत क्या होने वाली इस 2024 के अंदर? देखिए इसमें मॉडल के हिसाब से वैरी करेगा, क्योंकि हमारा ये एक मॉडल है 165 है, इसमें एक और अभी नया अपडेट, हाँ 150 भी आ रहा है, 165 है, और इसमें एक और अपडेट मॉडल आ गया है 165 प्लस जी, तो वो भी हम किसान साथियों को दिखाएंगे 165 प्लस के बारे में भी, उसमें कुछ और नए फीचर्स के साथ ऐड हुआ है जी। तो इसी तरह आपको रेटों में वैरी करता है, ये टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग अप्रॉक्स ये तीनों मशीन सब जोड़ने के बाद लगभग अप्रॉक्स 17 से 18 लाख के आसपास की मशीन बन रही हैं, जिसमें 50% गवर्नमेंट सब्सिडी है, उसके अलावा जो बैंकों से फाइनेंस है वो आपको 75% फंडिंग है। एक छोटी सी बात आपसे हम पूछने के बाद वीडियो को यहीं तक समाप्त करेंगे, तो दीपक जी एक चीज़ और बताइए, जैसे कि इतनी लागत लगाने के बाद किसान कितने साल में इस मशीन की कीमत आसानी के साथ? देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि किसान को सबसे पहले अपनी लागत और लागत का मुनाफा दोनों चीज़ जानकारी चाहिए। खास बात, कोई आप हो या हम हो, सभी को यही चाहता है कि सबसे पहले, जैसे मैं संदीप जी को बुला लेता हूँ, संदीप जी रखे हुए हैं मशीन, अब वो कुछ ना कुछ कमाई के लिए ही तो मशीन लिए होंगे, तो ये मशीन ऐसा नहीं है कि आज आप लाए तो आज ही कमाई कर रही है, लेकिन ये विश्वास है हमको आपको कि जब उसी पूरा सीजन आप काम करेंगे, जैसे मैं बता दूं कि ये मशीन तो हम लोग बेसिक मेन धान के सीजन में बहुत अच्छी कमाई करने के लिए हम लोग की वो बेल बनाएगी, और बेल ये हमारा 40 से 45 दिन का सीजन रहता है, जो मेन सीजन रहेगा धान का सबसे बड़ा सीजन रहेगा, उसके बाद किसान इसको गन्ने की बेल में यूज करेगा जी। कि एक्चुअली क्या है, किसान भाई हमारे जो भी हैं किसान, अगर चाहते हैं नेपियर लगाना तो वो नेपियर लगा लें, अच्छा उनकी ये चीज़ लगता है कि हम नेपियर उगा लें, उसके बाद बिक्री कहाँ होगी, तो नेपियर उगाने के बाद हमारे यहाँ प्लांट पे बेच सकते हैं। तो संदीप जी आपने जो जानकारी दी है इस नेपियर के बारे में थोड़ा सा बताइए, ज़्यादा बड़ी बात नहीं होने वाली किसान साथियों, थोड़ी सी बातें
तो ये नेपियर की जो बीज है वो कहाँ पे मिल जाएगा? नेपियर के सीड आपको कहीं भी किसी जैसे असी से कहीं से मंगा सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो हमारे से आप संपर्क करिए, हम सीड आपको प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप खेती करना चाहते हैं तो नेपियर के बारे में हम आपको बराबर बताएंगे। तो किसान साथियों, नेपियर के ऊपर एक अलग से आपको वीडियो मिल जाएगी, कैसे उसकी खेती होती है, कितने साल एक बार बोने के बाद उसके कितने साल कटाई होती है, किस तरह से आप उसकी बेल बनवा सकते हैं, उससे भी कमाई आप आसानी के साथ कर पाएंगे, कहाँ पर बेचना है। हमारे संदीप सर का नंबर है आपके पास, ज़रूर संपर्क कीजिएगा। और ये जो बेलर मशीन है हमारे सर की है, इनसे भी आप बात कर सकते हैं। अगर यहाँ आसपास के ज़िले से हैं तो बेल बेचने के इंटरेस्टेड है या नेपियर घास बेचने के इंटरेस्टेड है तो हमारे सर से ज़रूर संपर्क कर लीजिएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और दीपक सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसान साथियों, कमाई के बारे में हम बात कर रहे थे, तो एक दिन की अगर मिनिमम कमाई की अगर हम बात करें, जैसे कंपनी बताती है, तो 23 से 25 हज़ार रुपये की पर डे की कमाई होने वाली इस मशीन से। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, जितना आप मेहनत कर ले जाओगे एक सीजन में, उतनी जल्दी ही आपकी मशीन फ्री हो जाएगी। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलेंगे किसी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।